बेचना बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो बंद करो। महंगे फूल बेचने वालों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। महंगे फूल बेचने वालों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। महंगे फूल बेचने वालों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। महंगे फूल बेचने वालों को महंगे गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचने को लेकर जो है बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेच बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेच बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो 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 बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। महंगे फूल बेचना बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचना बंद करो 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 बंद करो। नवरात्रों में महंगे फूल बेचनेत्रों के परो पर महंगाई का आलम आसमान को छू रहा है। ये वाले फूल 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये वाले फूल 350 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये वाली माला 50-50 रुपए की बिक रही है। आसमान को छूने का प्रयास हो रहा है। अदरक का भाव आसमान को छू रहा है। आलू 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। पालक 50 रुपए किलो बिक रही है। और ये जो हमारे क्या कहते हैं कचालू 100 रुपये किलो। और जो जो चीज़ें नवरात्रों के अंदर प्रयोग होती हैं उनके दाम आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अरे भाई नवरात्रों का त्यौहार परम सीमा पर है और हज़ारों की लाखों की संख्या के अंदर लोग व्रत रखते हैं, लेकिन दाम पर कोई कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करने का प्रयास करना चाहता हूं, जो लोग ब्लैक मार्केट पीछे से पहले दाम चेक करो दिल्ली से क्या आ रहा है, फिर यहां वाले क्या भाव बेच रहे हैं उसको चेक करने का प्रयास करो। जल्द से जल्द कार्रवाई करो, अन्यथा सीधी कार्रवाई। और मीट की दुकानें कॉरपोरेशन ने पास करा था मीट की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन परेड ग्राउंड के अंदर मैंने देखा है सुबह सुबह आया वहाँ मीट की दुकानें खुली हुई है। क्या बाकी शहर के अंदर भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं? श्रीमान कमिश्नर महोदय से मैंने बात करी है, उसने मुझे एश्योरेंस कराया कि मैं बंद करवाऊँगा। अभी चौथा नवरात्रा आ गया, ये जो गुंडागर्दी छाई हुई है इसको बंद करना चाहिए और ये जो दाम अधिकतम बढ़े हुए हैं इसको नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए।